सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है रिसेंटली मेरे साथ। शाम को इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी और अभी प्रॉब्लम आ रही है सर नेट की, कि मैं लाइव होके भी नहीं हो पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रहा हूँ सर। और जैसे भी हो सर इसको फास्ट फास्ट करना है सर, और एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अकाउंट का पेपर आपका इजी गया है, इसका मतलब ऑडिट या आईटी एसएम का एग्जाम टफ हो सकता है। तो सर प्लीज एक एक सेकंड को बचाइए और 100% मेरे साथ लगाइए। सर ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज में क्या होता है कि लोकल बॉडीज होती है वो सर सेल्फ गवर्नमेंट होती है। क्या होती है सर? सेल्फ गवर्नमेंट होती है सर, और ये अर्बन एरिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है सर, मैक्सिमम अर्बन एरिया के अंदर पाया जाता है। मुद्दा आया कि अर्बन एरिया क्या होता है। ठीक है सर, तो अगर कोई आपसे पूछे कि अर्बन एरिया को आप स्मॉल अर्बन एरिया क्या कहोगे, तो आप कहोगे जो स्टेट से छोटा हो, मतलब स्मॉलर देन स्टेट जो होता है सर वो लोकल बॉडीज होता है। उसके बाद सर आपको क्या रखना है, इन इंडिया म्यूनिसिपल गवर्नमेंट कवर 5 डिस्ट्रिक्ट टाइप ऑफ अथॉरिटीज, मतलब कि हमारे इंडिया के अंदर 5 टाइप्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज होती हैं। अब ये क्या क्या होती हैं सर, फटाफट इन्हें मेरे साथ पढ़ लो, और हो सके तो सर एक कॉपी पेंसिल पेन लेके बैठना सर, ताकि आप इसे एग्जैक्टली कर पाओ सर मेरे साथ। ठीक है सर, एक होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक होता है म्यूनिसिपल काउंसिल सर, एक कॉरपोरेशन होता है, एक काउंसिल होता है, और एक टाउन एरिया कमिटीज होती है। टाउन एरिया कमिटीज होती है, एक होती है कंटेनमेंट कमिटीज, एक होता है एनी नोटिफाइड एरिया कमिटीज। सर अगर एग्जाम में आया 5 टाइप ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बताओ, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट बताओ इंडिया के अंदर, तो सर ये 5 बताएंगे। एक बार दोबारा रीड आउट कर रहा हूँ, पेंसिल पेन से सर साथ साथ लिख लेना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, टाउन एरिया कमिटीज, ठीक है सर, कंटेनमेंट कमिटीज एंड एनी नोटिफाइड एरिया। सर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होते हैं, एमसीडी वगैरह, म्यूनिसिपल काउंसिल्स क्या होती है, नगर निगम वगैरह, नगर पार्षद वगैरह को कहते हैं सर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है इसमें, वो ये आता है कि भैया द ऑडिटर ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर ऑफ द ऑडिट जो लोकल बॉडीज के लिए सर अपॉइंट की जाने वाली है, ये कभी भी सर अब ठीक है, जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाना है वो कभी भी सर कौन अपॉइंट करेगा, मुद्दा ये आता है। तो सर ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, तो सर बात ध्यान से सुनना, अगर उसे लोकल बॉडी अपॉइंट कर रही है तो ऑब्वियसली लोकल बॉडी का बड़ा होना जरूरी है, यानी जब तक लोकल बॉडी छोटी है तब तक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो मतलब ऑडिटर को लोकल बॉडीज के लिए 2 लोग अपॉइंट कर सकते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है लोकल बॉडीज के लिए ऑडिटर को, या फिर ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है लोकल बॉडी खुद, लेकिन लोकल बॉडी का बड़ा होना जरूरी है। इसे सर फनी स्टाइल में समझाऊं तो ऐसे समझाऊं कि बेटी लड़के को पसंद तभी कर सकती है जब बेटी बड़ी हो चुकी हो, वरना फिर बेटी के लिए रिश्ता उसके पापा पक्का करेंगे, लाइक दैट। ठीक है सर, फिर सर एक नोट छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो नोट ये कहता है सर कि जो आपकी सीएजी है वो कभी भी आपके लोकल बॉडीज के ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करती, क्योंकि सीएजी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है सर, ये एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी जो लोकल बॉडीज है उसमें ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है। सर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आते हैं सर। सर फोर्थ पॉइंट जहां तक मुझे लगता है ये कहना चाहता है सर, फोर्थ पॉइंट सर फोर्थ पॉइंट आपसे ये कहना चाहता है बस कि एक ऑडिटर जब भी जाए लोकल बॉडीज के लिए तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पता हो। कॉन्स्टिट्यूशन सर होता है संविधान, कि लोकल बॉडीज कैसे बनती है, उसका टैक्स कैसे पे करना होता है, उनका खर्चा कैसे चलता है, उनकी रिसिप्ट क्या होती है, उनकी पेमेंट क्या होती है, इन बातों का ध्यान रखना होता है। और सर ध्यान रखना होता है उन लोगों को कि भैया इसके वर्क कैसे है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इसमें ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें एम्प्लॉयज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है सर, इन बातों का ख्याल रखना होता है। फिर सर हमारे पास सी पॉइंट आता है, ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अकाउंटिंग सिस्टम एंड द बजटिंग सिस्टम ऑफ द लोकल बॉडी, मतलब कि भैया इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। ये वाला पॉइंट क्या सिखा रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है इनकी रिसीप्ट का, इनकी पेमेंट्स का, इनकी एक्सपेंसिस का, इनकी रेवेन्यू का, और एंड बजटिंग सिस्टम ऑफ द लोकल बॉडी, मतलब इनकी बजटिंग, मतलब इनके लिए पैसे वैसे अरेंजमेंट जो होती है वो कैसे होती है। सर उसके बाद ऑडिटर को क्या ध्यान रखना है, सर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ लोकल बॉडी, मतलब कहाँ कहाँ से इनको चंदा आ रहा है वो ध्यान रखना है। हाउस टैक्स आता है, वाटर टैक्स आता है, पार्किंग फी आती है, एडवर्टीजमेंट टैक्स आता है, रेंटल इनकम आता है, ग्रांट आता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आता है। सर मेरी स्पीड किसी को फास्ट लग रही हो तो सर सॉरी, कल आपका सीए का एग्जाम है, आपका जो 6 महीने का सिलेबस है मुझे विथिन 6 आवर रिवाइज कराना है सर, तो थोड़ी सी स्पीड फास्ट होगी, इसके लिए थोड़ा सा कंपनसेट कर लेना मेरे साथ। फिर सर अगली बात आपको याद रखनी है कि जनरली लोकल बॉडी रिसीव ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड दीज ग्रांट मे बी जनरल पर्पज ग्रांट। ठीक है सर,
मतलब कि जनरली लोकल बॉडी को ग्रांट मिलती है वो स्टेट गवर्नमेंट देता है, और ये ग्रांट जनरल पर्पज होता है। जनरल पर्पज क्या होता है सर, आपने दो पढ़ा होगा अकाउंट के अंदर, एक स्पेसिफिक पर्पज एक जनरल पर्पज। सर जो स्पेसिफिक पर्पज होता है वो ये कहता है कि आपको पर्टिकुलर वर्क के लिए काम करना है, जैसे रोड बनानी है आपको, आपको लाइट वगैरह इंस्टॉल करनी है रोड पे, ठीक है सर, जो लाइट होती है आपको रात में आने जाने में हेल्प करती है, तो सर इस टाइप से होता है, वो स्पेसिफिक हो जाता है। जनरल पर्पज मतलब अपने इलाके में साफ सफाई का ख्याल रखना। तो सर ऑडिटर शुड एग्जामिन ग्रांट ऑफ लोकल बॉडी, ठीक है सर, एज एनपीए, ठीक है सर, प्लस डब्ल्यू आर। सर ये एनपीए डब्ल्यू आर क्या होता है, डब्ल्यू आर होता है सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है सर। और इसका क्या ध्यान रखना है सर, इतनी बात नहीं आ रही दिमाग में तो इसको भूल जाओ, बस ये याद रखना है कि ऑडिटर जाएगा तो इसकी जो ग्रांट मिल रही है उसका ट्रीटमेंट दिखेगा एज पर ES 12 की, भैया ये ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं, ठीक है सर, बस आगे छोड़ दो इसको। सर नेक्स्ट पॉइंट है सर, ऑडिटर शुड एग्जामिन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द लोकल बॉडीज एंड दीज एक्सपेंडिचर मे बी इनकर्ड इन रिलेशन टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज। मतलब इनके जो खर्चे होते हैं ये उसकी बात कर रहा है कि क्या क्या खर्चे होते हैं, उन खर्चों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। सर पहला होता है सर पब्लिक हेल्थ, लोगों के हेल्थ के लिए ध्यान देना है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए ध्यान देना है, पब्लिक के वर्क के लिए ध्यान देना है, पब्लिक एजुकेशन के लिए ध्यान देना है। सर जैसे म्यूनसिपालिटी के स्कूल वगैरह होते हैं ना सर, ये एग्जैक्टली उसी की बात कर रहे हैं। फिर सर इसमें लास्ट दो पॉइंट आते हैं, ऑडिटर शुड कंडक्ट वाउचिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन यूजुअल मैनर। मतलब जैसा कि वो कहीं भी जाता है तो वाउचिंग चेक करता है, तो यहां भी उसे वाउचिंग उसी तरीके से चेक करनी है। ही शुड कवर द असर्शंस। तो असर्शंस क्या होता है सर, लास्ट में दो चार पार्ट में मैं डिस्कस कर चुका हूं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लास्ट में दो चार पार्ट में हमने असर्शंस के बारे में उसे सीख लिया होगा। सर असर्शन में क्या चेक करना है सर, एक्यूरेंस कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी मतलब कि सही तरीके से किया है कि नहीं, कंप्लीटनेस मतलब ट्रांजेक्शन पूरी रिकॉर्ड की है कि नहीं, एक्यूरेसी है कि नहीं, एंड क्लासिफिकेशन है कि नहीं, क्लासिफिकेशन मतलब असेट्स है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंडिचर है वो। उसके बाद सर द ऑडिटर शुड कंडक्ट वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो सर पहला वाला पॉइंट हो गया सर वाउचिंग के लिए, अगला हो गया वेरिफिकेशन के लिए। अकाउंट बैलेंस चेक करना सर, तो ये हमने पहले चेक किया था कि लेट सपोज डेप्टर दिख रहा है तो डेप्टर वो रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, चलो एग्जिस्ट भी करता है तो उसका अमाउंट उतना ही है जितना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इन सब बातों का ध्यान इसे रखना होगा, ठीक है सर। सर एक नॉर्मली क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस मैनुअल में डाला जाता है वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज के लिए अगर ऑडिट होता है तो उसे क्या क्या फायदे होते हैं। सर पहला रिपोर्टिंग ऑन ट्रू एंड फेयर वे ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि भैया ऑडिट होने से हम बता पाते हैं, सर एक मिनट ये हल्का सा सर फ्रेम बार बार चेंज होना करना पड़ रहा है आपकी वजह से पेज के सेटअप के लिए, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आई थिंक अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो सर ये कहता है कि भैया रिपोर्टिंग ऑन ट्रू एंड फेयर वे ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हम ये बताएंगे कि ट्रू एंड फेयर वे, ट्रू एंड फेयर वे मतलब सच में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है वो बताएंगे। रिपोर्टिंग अपॉन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हम ये बताएंगे कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है या स्ट्रांग है। रिपोर्टिंग ऑन कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट, हम ये बताएंगे कि भैया जो हमारी लोकल बॉडीज है ऑडिट के दौरान हम बताएंगे ना कि आप में लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो की आपके अकाउंटेंट ने कि नहीं की। उसके बाद सर रिपोर्टिंग ऑन कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू एंड मनी स्पेंट, कि भैया पैसे कहाँ आए और कहाँ गए इसकी हम चेकिंग करेंगे। डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, हम ये पता लगाएंगे कि फ्रॉड एंड एरर है या नहीं है, अगर है तो कितना है, नहीं है तो कैसे है। सर ये ऑडिटर इन सब बातों का चेक करेगा और ये सब बेनिफिट है सर ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। और सर लास्ट रह गया रिपोर्टिंग ऑन मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर कोई भाई साहब या बहन जी कुछ मिस यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का तो उसका ख्याल रखना है। तो सर ये ओवरऑल द पॉइंट था और आई होप ये आपको अच्छे से दिमाग में आ गया होगा, और ओवरऑल हमने लोकल बॉडीज को सर खत्म कर लिया। फटाफट वीडियो देखते ही सर अगला वीडियो मैं तब बनाऊंगा जब आप इस पर लाइक देने वाले हैं और कमेंट में ये लिख के बताने हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। सर विद इन 2 मिनट्स के अंदर नेक्स्ट वीडियो बनेगा, और 2 मिनट्स के अंदर आप अपना लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए ना और कमेंट जरूर लिख देना। टेक केयर एंड बाय बाय।